साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल की जाट धर्मशाला में जाट नेताओं की पंचायत में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। जाट समुदाय के नेताओं ने कहा कि जाट समुदाय राज्य मंत्री और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से नाराज हैं। भाजपा सरकार में जाटों की अनदेखी की गई है। जाट आरक्षण के दौरान भाजपा सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जाटों का साथ नहीं दिया। जाट समुदाय अगर अपनी मांगों को लेकर के कृष्णपाल गुर्जर के पास गया तो जाट समुदाय के लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जाट समाज अपना नेता नहीं मानता है। पंचायत में वो निर्णय लिया गया है कि 3 मई को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जाट समुदाय की एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को हराने और दूसरी पार्टी के किसी नेता को जाट समाज अपना समर्थन देगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जाट समाज निर्णायक हैसियत रखता है। वोटों के गणित को गड़बड़ाने में जाट समाज अहम भूमिका रखता है। अब देखना होगा कि जाट समाज कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना, एनएलओ प्रत्याशी महेंद्र चौहान, बसपा प्रत्याशी मंधीर सिंह मान और आम आदमी और जजपा प्रत्याशी नवीन जयहिंद में से किसे अपना समर्थन प्रदान करेगा। जाट समाज जिस भी प्रत्याशी को अपना समर्थन देगा उसकी लोकसभा क्षेत्र में जीत निश्चित है। जाट समाज ने जो फैसला लिया है वो 3 तारीख को लिया है। 3 तारीख को मीटिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, पलवल और कुछ क्षेत्र नूका जो हमारा लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो हमारे खिलाफ जाता है, जो हमारे खिलाफ गया अब तक आरक्षण के टाइम में जो हमारे पुतले जलाए थे, हम उसके खिलाफ जाएंगे और वोट हम उसको देंगे जो उसको हराएगा। यानी कि अगर जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको हम वोट देंगे। ये समाज लेगा फैसला, ये समाज हमारा 3 तारीख को फैसला लेगा। बार-बार तो आपसे और वो हमारा अभी इसमें लोग बैठ के एक स्पेशल मीटिंग और बाद में भी लेना चाह रहे हैं और बातचीत करेंगे अभी इसमें ये भाई जो इलेक्शन के बारे में हमारे जाटों की जो अनदेखी हो रही है ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसके लिए एक मजबूती से जाट खड़ा हो तो इसलिए वो लोग सभी हम भाई जुड़ के यहाँ पर मीटिंग लेना चाह रहे हैं और जो पंचायत हुई है उसमें यही है कि जो भी मजबूत कैंडिडेट हो और भारतीय जनता पार्टी हराने का काम करे यानी कि कृष्णपाल हराने का काम करे उस व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे। अब ये इनकी नाराजगी क्या है भाजपा से? नहीं, भाजपा ने बहुत कृष्णपाल ने विशेष तौर पे जो समाज की अनदेखी करी है, जब आरक्षण के तौर पे जब पुतला फूके हैं तो उसमें पुतला भी फूके हैं तो वो हमारा जाट समाज का नेता तो हो ही नहीं सकता। और हमारी जो अनदेखी की है उसने समाज के अंदर कहीं छोटी बड़ी बात में भी नहीं गया और जो भी व्यक्ति उसके दरवाजे पर जाता है उससे ऐठता है और ढंग से बातचीत नहीं करता और एक मामा भांजे का जो वहाँ सिस्टम है एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है लूटने खाने का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है और हमारे लोगों का कोई मान सम्मान वहाँ पे नहीं मिला तो इसलिए हमारे सभी जाट लोग इकट्ठे हुए हैं। यदि अवतार सिंह भड़ाना आपको मजबूत दिखते हैं तो क्या उनको समर्थन दे सकता है जाट समाज? मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जो हराने का काम करेगा वो अवतार भड़ाना काम करेगा, ये मैं गारंटी के साथ। पलवल लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को हराने के लिए जाट समुदाय लामबंद होना शुरू हो गया है। जाट समुदाय के नेताओं ने आज पलवल जाट धर्मशाला में पंचायत की और भाजपा प्रत्याशी को हराने की रणनीति तैयार की। पंचायत में फैसला लिया गया कि 3 मई को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जाट नेताओं की एक और पंचायत की जाएगी, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को हराने वाले मजबूत उम्मीदवार को जाट समुदाय द्वारा समर्थन दिया जाएगा। पलवल से वीना चौहान की खास रिपोर्ट।